जिला अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन ARV खत्म हो गई है। प्रबंधन ने इसकी नोटिस चस्पा कर दी है। शनिवार को बिना इंजेक्शन लगवाए मरीजों को वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें, जिला अस्पताल में प्रतिदिन 100 से 150 मरीज ऐसे आते हैं जिन्हें ARV लगाया जाता है। शनिवार की सुबह OPD खुलते ही मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सिर्फ 10 मरीजों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया जा सका। ऐसे में वैक्सीन खत्म होने से मरीजों के सामने संकट खड़ा हो गया है। CHC PHC में भी ज्यादातर में ARV खत्म है। दूर दराज के गांवों से भी मरीज यहां इस उम्मीद से आते हैं कि इंजेक्शन लग जाएगा। शनिवार को भी बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे, लेकिन नोटिस देखकर निराश हुए। इस संबंध में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद श्रीवास्तव ने बताया कि मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन को मांग भेजी गई है। उनसे फोन पर भी बात हुई है। उम्मीद है कि शीघ्र ही वैक्सीन आ जाएगी, इसके बाद इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने आए मरीजों और प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद श्रीवास्तव ने कहा। गणेश इंजेक्शन लगवाए हैं। कहाँ आए थे, किस चीज़ का लेकर? कुत्ते काटा हुआ है, उसी का इंजेक्शन लगवाने आ रहे हैं। कहाँ? गोरखपुर सदर पर। क्या बताया? अभी इंजेक्शन नहीं है। चार लगना है, दो लग गया, अभी दो बाकी है। चंद्रभूषण पांडे सरार से सुई लगवाने के लिए आए। कहाँ पर आए? सदर में। हाँ, क्या बताया? ये बोल रही है कि आज नहीं लगेगा, मंगलवार मंडेवार को सोमवार सोमवार बिल्ली काटी है उसी की। कौन सा इंजेक्शन लगना था आपको? दूसरा है। हाँ, ARV इंजेक्शन के लिए पिछले बार भी मांग पत्र कई बार समय समय भेजे गए हैं। जैसे मेरे पास एक हफ्ता का बचा रहता है, मांग पत्र जाता है, फिर 3 दिन का बचा रहता है, फिर भेजा है। अचानक वो भेज रहे कि भेज रहे हैं, किन्हीं कारणों से अभी आपूर्ति नहीं हो पाई है। आज सुबह ही मेरी वार्ता हुई है कॉरपोरेशन के AD से। उन्होंने कहा कि अभी हम देख के बता रहे हैं स्टॉक और कोई ना कोई इंतजाम करते हैं। क्योंकि पूरे UP में एक ही जगह ARV वैक्सीन बनती है और कंपनी के द्वारा सप्लाई में भी प्रॉब्लम होती है कॉरपोरेशन को। ये बीच बीच कभी आ जाती है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आज शाम तक वहाँ से चल देगा। उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ और किसी से लखनऊ से वो भेजते हैं। यार भी कितने मरीज लगभग आ जाते होंगे? लगभग 120-125 के लगभग मरीज रहते हैं, जिनमें कुछ नए रहते हैं, कुछ को 5वीं डोज रहती है, किसी को 3री डोज रहती है।